सो गाइज, अब हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसको अपडेट कर सकते हो और इसका भरपूर मज़ा ले सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग्स पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर थ्री वाला बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक है अपडेट मैसेजिंग, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या काम आप कर सकते हो। देयर इज ए न्यू वे टू मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, चेंज योर चैट कलर, रिएक्ट विथ एनी इमोजी, स्वाइप टू रिप्लाई टू मैसेज, क्रिएट सेल्फी स्टिकर्स, ये सबसे बढ़िया है और मेरा फेवरेट है, चैट विथ फ्रेंड्स हु यूज फेसबुक, नो ऐप डाउनलोड नीडेड। ओके, सो कोई भी ऐप आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, ओनली आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको अपडेट कर दिया और ये अपडेट अभी हो गया है। सो अभी अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है ना, मैसेज पर जाना है। देख सकते हो कि ये प्ले वाला बटन था, लेकिन अभी मैसेंजर का टाइप का बटन हो गया है, तो यहाँ पर आपको जाना है। सॉरी यार, उस अकाउंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैं इस अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये मेरा थीम है, मतलब इंस्टाग्राम में इस तरह का थीम है और इस तरह का स्टिकर है, इस तरह का जो सारा चीज़ है वो कैसे आप करोगे। तो पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इस थीम को अपलोड करोगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको आई वाला बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो थीम्स है, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक थीम ले लेना है। तो उसके बाद आप देख सकते हो इसका कलर अभी चेंज हो गया, इसका डिज़ाइन जो स्टाइल था वो चेंज हो गया। अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेशल कलर रखने के लिए, मतलब इस टाइप का कलर रखने के लिए, तो ये भी हो जाएगा। मतलब आपका जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वाला सिस्टम इस तरह से आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हो, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये वाला रखता हूँ, मुझे ये वाला पसंद है। ओके, तो उसके बाद मैं आपको पहला जो चीज़ है, सेकंड जो चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको अगर आप क्लिक करके रखोगे तो पहले ओनली लाइक कर सकते हो, तो मतलब कोई भी अगर आपको मैसेज करता था तो इस तरह से लाइक कर सकते थे, लेकिन अगर अभी चाहोगे तो आप इस तरह से कोई भी रिएक्शन दे सकते हो। अगर चाहते हो कि ये जो रिप्लाई उसने दिया है उसी के बारे में कोई भी आपको रिप्लाई देना है, तो आपको इस तरह से व्हाट्सएप में जैसे करते हो उस तरह से करके रिप्लाई देना है। ओके, लाइक ओके, तो मैंने ओके लिखा तो इस तरह से ये हाईलाइट हो गया। तो व्हाट्सएप की तरह ये एक भी चीज़ है जो कि नहीं था इंस्टाग्राम में, और बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता होगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। ओके, तो दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, जो मेरा सबसे फेवरेट है, ये जो स्टिकर्स है मैंने ये कैसे बनाया। ओके, लाइक दिस। ओके, इस तरह का स्टिकर बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो सेल्फी वाला स्टिकर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मेरा फेस ज़्यादा अच्छे से तो नहीं दिख रहा अभी। ओके, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो इस टाइप का आएगा, अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस टाइप का आएगा, तो बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे ये वाला पसंद है। ओके, आई एम सेट फायर, तो इसको मैंने क्लिक कर लिया अभी, तो प्रोसेसिंग हो के ये एक स्टिकर बन जाएगा। इसको अगर आप सेंड करोगे तो जिसी के पास आप सेंड करोगे वो सेंड हो जाएगा। अगर चाहते हो तो स्टिकर को आप फॉरवर्ड शायद नहीं हो सकता है, उसे जाने दो। तो स्टिकर आप इस तरह से बना सकते हो और इस तरह का रिएक्शन भी दे सकते हो, लाइक दिस। ओके, तो और एक चीज़ है जो क्या है ना, आप मैसेंजर में जो भी कोई होगा उसको सर्च करके इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, उसके बारे में मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी आज के लिए जितना मैंने आपको बताया तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। तो आज के लिए इतना।